पहाड़ की जो महिलाएं हैं वो बड़े बड़े पेड़ों पे आसानी से चढ़ जाती हैं। माँ कपरीती की याद आ रही कुदाल से बल। तो ये भी पहाड़ों में किसी का रोजगार का एक अच्छा साधन रहता है। और माँ बोली आजकल कुछ काम ही नहीं हो रहा, इतना काम कर रहे हैं आजकल, जिस वजह से आजकल यहाँ बाघ का बड़ा आतंक हो रखा है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 8:15 हो रहे हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। और आज सामने के पहाड़ों का माहौल देखिए, बिल्कुल गुमसुम गुमसुम सा हो रखा है। हल्के हल्के बादल लगे हैं पहाड़ों पे और जो बर्फ की चोटियां हैं वो पूरी ढक चुकी हैं बादलों की वजह से। आजकल है गांवों में खेती बाड़ी का टाइम, सभी लोग बीज बोने की तैयारियां कर रहे हैं। जिन लोगों के पास बैल हैं वो बैलों से हल लगा रहे हैं और जिन्होंने मशीनें खरीदी हुई हैं मशीनों से हल लगाते हैं। बाकी ठीक सामने यहां देखिए बारिश शुरू हो गई यहां भयंकर वाली, जबकि आज वेदर दिखा रहा सिर्फ क्लाउडी, यहां तो बारिश भी शुरू हो गई। और देखिए थोड़ी देर में घाम भी लग गया है, ऐसे कुछ है भाई पहाड़ों का मौसम। यहां से बारिश आ रही थी वो गायब होती जा रही है। और पप्पा जी को चाहिए था मेरा पुराना वाला हेलमेट, तो लगा तो दिया है, अगर फिट आएगा तो रख लेंगे इसको। तो ये था जी अपना पिछला वाला हेलमेट। तो चलिए जी अभी निकल पड़े हैं पुराने वाले घर पे, वहाँ के काम करने बहुत जरूरी हो जाते हैं दिन के टाइम पे। देखिए जी बारिश नहीं लगी कल से, तो अच्छी बात है, हमने कल खेतों में बीज भी बोए थे। अगर बीज बोने के बाद बारिश लग जाती है ना तो दिक्कत हो जाती है। फिर इस वाले घर पे आने के बाद सबसे पहला हमारा काम रहता है कि गौशाला में जाना और वहाँ के कामों को निपटाना, क्योंकि उसी वजह से हम इस वाले घर पे आते हैं। हमने कल खेतों में बीज बोए और आज वहाँ पे जो घुघुती पक्षी होती है वो लगे हुए हैं बीजों को निकालने पे। ये तो अभी उगने भी नहीं दे रहे। बहुत सारे जानवर जो लगे हुए हैं हमारी मेहनत को बर्बाद करने पे। देखिए जी आजकल यहाँ पहाड़ों में चारों ओर खूब हरियाली छाई हुई है, नई नई कोपलें दिखाई दे रही हैं, नए नए पत्ते, और सभी पहाड़ी लोग लगे हुए हैं खेतीबाड़ी के कामों में। तो चलिए जी यहाँ पे पप्पा जी भी आ चुके हैं और यहाँ पे भी जो दथड़ू है उसको पल्या रहे हैं, मतलब कि दथड़े की धार तेज कर रहे हैं, माँ के साथ घास काटने में हेल्प करेंगे। और यहाँ से गोबर की बाल्टी भी ले जानी है ऊपर खेतों तक। और यहाँ देखिए आजकल छोटे छोटे कितने सारे से फूल खिले हुए हैं, बहुत ही गजब का माहौल बनाते हैं ये। बाकी अभी हम पुरीसरी आ चुके हैं और यहाँ देखिए आजकल गेहूं पे ना बालियां भी आने लगी हैं धीरे धीरे। जंगली जानवर रखेंगे तो अच्छे से गेहूं हो जाएंगे। और जो खेत ना इंसानी बस्ती से काफी दूर रहते हैं, जंगल के नजदीक रहते हैं, वहाँ तो जंगली जानवर फिर कुछ रखते ही नहीं। आज इस वाले पेड़ पे चढ़ेंगे, यहाँ से घास निकालेंगे। बाकी ठीक सामने वाले पेड़ पे भाभी जी भी चढ़ी हुई हैं। देखिए जी पहाड़ की जो महिलाएं हैं वो बड़े बड़े पेड़ों पे आसानी से चढ़ जाती हैं, उनका डेली का काम यही रहता है। बाकी ठीक सामने पे ये बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा है ना, इस पे बहुत सारी टहनियां दिखाई दे रही हैं ऊपर से, तो इस पे माँ पहले यहाँ ऊपर चोटी तक चढ़ जाती थी, लेकिन अब उम्र के साथ साथ अब ज्यादा पेड़ों पे चढ़ना नहीं हो पाता है। अब थोड़ा सा 3-4 सेकंड के लिए यहाँ आसपास का माहौल फील कीजिए। बहुत सारी पक्षियाँ चहचहा रही हैं, निनरे शोर कर रहे हैं और निनरों का शोर तो अभी और भी बढ़ने वाला है कुछ टाइम के बाद। तो चलिए जी यहाँ पे माँ पापा ने घास भी निकाल दी है, मैं भी जरा सा मदद कर देता हूँ इस घास को गौशाला तक ले जाके। आजकल पापा जी की छुट्टियां हैं तो पापा जी भी घर के काम में पूरा हाथ बता देते हैं, मतलब ज्यादातर काम तो पापा जी ही करते हैं। कब से लगेगी स्कूल? अब लग गया 2-3 दिन में। दो तीन दिन में
माँ यहाँ पे लगी है दिन के साग की तैयारी करने में। पालक आजकल खूब होता है, तो पालक की ढेपली खाने का तो मजा ही कुछ अलग रहता है। देखिए जी, हमारी गौशाला के पास में कल एक केले का पेड़ टूटा था, और ये है यहाँ का छोटा मोटा कल्याण, मतलब कि जहाँ खूब केले के पेड़ रहते हैं, और इस पे लगे हुए हैं खूब सारे ये केले। अभी तो केले का पेड़ हरा ही दिखाई दे रहा है, शायद ये केले का पेड़ हो जाएगा ऐसे में, देखते हैं कुछ दिन रुकते हैं। बाकी कई जगह जो ये केले का फूल होता ना, इसकी सब्जी भी बनाते हैं, पता नहीं कैसी बनाते हैं। पूरा जड़ सहित उखड़ गया, शायद इस साइड की जड़े तो हैं, या तो किसी जानवर ने इसको तोड़ा या फिर अपने लोड से ही वो टूट गया। अब यहाँ पे माँ को प्रीति की छोटी सी कुदाल मिली है। माँ को प्रीति की याद आ रही, कुदाल से बल छोटी सी कुदाल है ना। देखे जी, हमने गाय को अंदर बांध दिया है, क्योंकि यहाँ आसपास आजकल बाघ का काफी ज्यादा आतंक है। घर के आसपास खूब जंगल वाला एरिया है, जिस वजह से आजकल यहाँ बाघ का बड़ा आतंक हो रखा है, वही चर्चाएं चल रही हैं। और माँ ये गौशाला से लकड़ियां ले जा रही हैं, पूरी सड़ गई हैं। और यहाँ पे देखिए, जो हमारी भाभी जी हैं, उन्होंने घास की भारी भी लगा दी है, और ये तिमले का घास है। और ये भाभी जी हैं रोशनी की माँ, जिसकी शादी की वीडियो आपने देखी थी कुछ टाइम पहले। उसकी शादी में मैंने हर इवेंट की वीडियो अलग से बनाई थी, जैसे कलियो, मेहंदी, ब्यो, धारा पूजन ऐसे की। तो पिछली हल लगाने वाली वीडियो पे कमेंट आया था कि जो हल लगाने वाली मशीन है उस पे दो डंडे लगा के उसको कन्ने में ले जा सकते हैं। तो गांव में जिनके पास मशीन है उन्होंने ये सब चीज़ें ट्राई तो करी हैं, शायद ये सक्सेसफुल उतना नहीं रहा। खैर, हम भी ट्राई करके जरूर देखेंगे। बाकी कमेंट और आया था कि पहाड़ों में बंटवारा इस हिसाब से होना चाहिए जमीन का, कि एक साइड के पूरे खेत एक ही भाई के और दूसरे साइड के दूसरे भाई के, लेकिन ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है। उसका रीजन ये है कि हर जगह की भौगोलिक परिस्थिति अलग अलग रहती है, मिट्टी का उपजाऊपन, धूप की स्थिति, ठंडा गर्म वगैरह। तो हर कोई भाई चाहता है कि उसको हर टाइप की जमीन मिले, तो ये वाली चीजें थोड़ा सा कम है पॉसिबल। देखिए जी, गांव में जो महिलाएं हैं वो घर का काम करने के साथ साथ ऐसे बुनाई वगैरह का काम भी कर लेते हैं। जो भाभी जी हैं अभी यहाँ पे चाय पीने के लिए बैठे हुए हैं, और ये स्वेटर की स्टार्टिंग हो रही है। कैसा दिन लग रहा है स्वेटर बुनने में? एक स्वेटर पर 4-5 दिन में बुन लेते हैं। तो ये भी पहाड़ों में किसी का रोजगार का एक अच्छा साधन रहता है, और किसी किसी ने घर पे मशीन भी रहती है रखी हुई। तो ये है पप्पा जी की स्कूटी का हेलमेट, उसकी पैडिंग अंदर से निकल ही नहीं रही, अब उसको सीधे डायरेक्ट धो दिया। इसीलिए सुबह हम मेरा वाला पुराना हेलमेट देख रहे थे, पप्पा जी बोले थे इस पे अजीब सी स्मेल आ रही है, वो रखा पड़ा था ना, भीगा होगा तो गंदा गंदा सा हो गया था। और माँ देखिए धनिया वगैरह तैयार करने लगी दाल दूल में डालने के लिए, आज चटनी भी बना रही। और यहाँ पे मेरे को एक काम मिला है, जो ये टिन है जिसको हम कंटर बोलते हैं, इसका सिर्फ ये वाला ढक्कन निकालना है। और पापा जी ने यहाँ पे पुदीना लगा रखा है, जो कि काम आ रहा है आजकल। घर के पास में ही चीजें बोले ना तो बहुत आसानी हो जाती है, नहीं तो पुदीने के लिए सिर्फ धारे के पास में या नीचे जाना पड़ता है। देखे जी, जो ये कनस्तर हैं, जो कंटर हैं, ये बहुत काम आते हैं पहाड़ों में। इसके अंदर राशन पानी भी रख सकते हैं, और जो बीज वगैरह है उनको भी सेफली रखा जा सकता है। बाकी कुछ काम ना आए, लास्ट में इसको काटो, इस पर एक हत्ता लगाओ, और ये पानी गर्म करने के काम आता है, पहाड़ी गीजर इसको बोल सकते हैं। और सुप्पे वगैरह भी बनते रहते हैं, जो कि मैंने कुछ दिन पहले की वीडियो में दिखाया था आपको। शाम के करीब 5:15 हो रहे हैं, और मौसम अभी कुछ ऐसा है सामने का, धीरे धीरे वैसे गर्मी बढ़नी थी लेकिन उल्टा हो रहा है, पहाड़ों में हो रही है बर्फबारी ऊपर ऊपर चोटियों में, और ठंडी ठंडी फिर हवाएं चलनी है। माँ को जाना है अभी गौशाला का काम निपटाने के लिए, हमको तब तक घर का पूरा काम करना है। और माँ बोली आजकल कुछ काम ही नहीं हो रहा, इतना काम कर रहे आजकल। क्या काम माँ का मतलब ये है कि दिन भर यहाँ पर वाड़ी में आए तो काम पे ही लगे रहो, तभी काम माना जाएगा, वरना 1-2 घंटे काम करोगे तो वो गिनती में नहीं आएगा। तो इस वाले घर के भी सारे काम निपटा दिए हैं, बाकी मौसम अब बिल्कुल सही हो चुका है। और आज तक ही ये मौसम गड़बड़ दिखा रहा था, कल से शायद धूप खिलेगी कुछ दिनों तक अच्छे वाली, तो थोड़ा बहुत गर्मी तो बढ़ जाएगी। बाकी अगर मौसम खराब होता है तो इस साल केदारनाथ धाम आने वाले यात्रियों को काफी सारी बर्फबारी देखने को मिलेगी ऊपर हिमालयी क्षेत्रों में। आजकल ना घर के पास में ऐसे छत पे या कहीं भी किसी भी जगह पे ऐसे शांत माहौल में बैठने का तो मजा ही कुछ अलग है। नेचर पसंद करने वाले लोगों के लिए ये माहौल बिल्कुल बढ़िया है, चारों ओर पक्षियों की चहचहाट, धूल धूल हो गई है गाड़ियों से, बाकी यहाँ पे इतनी धूल उड़ती है कि बाइक लग रहा है कई सालों से चलाई नहीं होगी। तो चले जी, घर पे पहुंच चुके हैं, बाकी अब आप लोग एंजॉय कीजिए पहाड़ों के कुछ खूबसूरत से नज़ारे।
शाम को यहाँ घर पे पहुँचने के बाद इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेने का तो मजा ही कुछ अलग है। बहुत ही प्यारी सी चमकती हैं, गोल्डन कलर की हो जाती हैं ऊपर ऊपर की चोटियाँ। बाकी इस बार तो लग रहा था कि बर्फ नहीं पड़ेगी, लेकिन काफी हद तक मेंटेन हो गई है अब बर्फ। देखिए जी, परसों ऐसे ही शाम का टाइम था और माँ जैसे पुराने वाले घर से आई तो ये बैग रहता है, इसमें कुछ जैसे कभी खाने पीने की चीजें बाकी कुछ छोटा मोटा सामान रहता है, यहीं पे छोड़ दिया। बंदर आया अंधेरे में और ये इसमें से 8 बजे रात बंद ले गया एक दो आसपास बड़े बड़े पेड़ हैं जिन पे की रात को बंदर बसेरा रहते हैं, तो रात भर कभी कभी उनमें लड़ाइयां भी हो जाती हैं, तो फिर बहुत भयंकर शोर करते हैं रात को भी भाई। तो कुछ ऐसा था हमारा आज का दिन। तो आज की वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।